नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साधारण से कंप्यूटिंग डिवाइस से लेकर के किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस तक, कंप्यूटिंग डिवाइस तक हम लोग पहुंचे थे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस से लेकर के हम आज के उन्नत कंप्यूटर्स तक कैसे पहुँचे, क्या क्या आविष्कार हुए और कैसे ये यात्रा पूरी हुई। 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार किया। वैक्यूम ट्यूब्स ऐसे एक डिवाइस था जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली की बहाव की दिशा को कंट्रोल करता था। इससे एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार में बहुत मदद मिली। 1943 में मेजर जनरल ग्लैडियन एम बार्न्स, जो कि यूएस आर्मी के एक जनरल थे, जो कि आर्मी ऑर्डनेंस कोर में कार्यरत थे और जिनको शर्मन टैंक्स के लिए भी जाना जाता है, वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का कोड नेम था प्रोजेक्ट PX और यह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मोर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चल रहा था। यहाँ के कई प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स, कई वैज्ञानिक इसमें शामिल थे और ये बड़े गुप्त तरीके से चल रहा था। दरअसल इनका उद्देश्य यह था कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस, बहुत बड़ा सा एक कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर बनाने का, जिसमें कि ये आर्टिलरी के गोलों की और मिसाइलों की ट्रैजेक्टरी पैराबोलों को कैलकुलेट कर सके, ताकि दुश्मन के ऊपर फायर करते समय वो ठीक निशाने पर गोले गिरें। और इस पर काम चलता रहा, लेकिन यह 1945 में जाकर के तैयार हुआ और ये था दुनिया का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम था ENIAC। इसमें मुख्य वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, वो थे जॉन मैकली और जे प्रेस्पर एकर्ट। यह इतना विशाल था कि करीब 1800 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था और इसी के साथ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का शुरुआत होती है, जो कि 1940 से 1956 तक चला। 1948 में ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार हुआ। और ट्रांजिस्टर क्या होता है कि इसने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली थी और ये बहुत ही हल्का एक छोटा डिवाइस था जो वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम करता था, लेकिन उसकी जो कमियां थी वो इसमें नहीं थी। इसको बनाने वाले मुख्य वैज्ञानिक थे जॉन बार्डीन, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्राटन। और इसी के साथ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत होती है, जिसे हम 1956 से लेकर 1963 तक का मानते हैं। सामने जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक IBM 7030 IBM का एक कंप्यूटर है जो सेकेंड जनरेशन का ही था। 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ। और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो IC चिप कहते हैं, जिसे ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, इसको बनाने में मुख्य भूमिका थी जैक किल्बी की, कर्ट लेहोबिक की, रॉबर्ट नॉइस और जॉन हर्नी की। अब ऐसा नहीं था कि ये इंटीग्रेशन का जो आइडिया था वो इनका ही था, दरअसल ये आइडिया इनसे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने रखा था, लेकिन बनाने में सफलता किसी को नहीं मिली क्योंकि कई समस्याएं थी इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने में। अभी क्या हुआ कि ये जो समस्याएं थी, इन चारों ने मिल करके इसको सॉल्व किया, इसलिए इन चारों का नाम मुख्य रूप से आता है इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार में। इसमें जैक किल्बी ने जो मुख्य समस्या थी उसको समाधान किया, इन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का, यानी कि मुख्य इंटीग्रेशन कैसे करना उसका आइडिया इन्होंने दिया। इन्होंने खुद IC बनाया बिना किसी की मदद से, जो कि एक हाइब्रिड IC था और इन्होंने सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का इस्तेमाल किया था, लेकिन हाइब्रिड IC वो नहीं है जो हम आज इस्तेमाल करते हैं या जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। हाइब्रिड IC का ज़्यादा इस्तेमाल आगे हुआ ही नहीं। अपने इस काम के लिए इनको सन 2000 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार भी मिला। अब अगली जो समस्या थी उसका समाधान किया रॉबर्ट नॉइस ने। इन्होंने जो इंसुलेशन बेस था उसको सुधारा, उन्होंने सेमीकंडक्टर जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन का इस्तेमाल किया और समस्या का समाधान हो गया। बाकी जो अगली तीसरी समस्या थी वो प्लानर प्रोसेस लेकर आए जॉन हर्नी, जो कि रॉबर्ट नॉइस के ही कलीग थे। और चौथी समस्या कर्ट लेहोविक ने की पूरी, उन्होंने
इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यानी जो सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका आइसोलेशन का तरीका ढूंढ लिया। अब ये सारी समस्याएं हल हो गई और इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार हो गया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे बाएं तरफ आप एक छोटा सा सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट को मिनिएचराइज्ड किया जाता है, यानी सूक्ष्म करके एक चिप के ऊपर इसको उतारा गया। अब कैसे उतारा गया, यही समस्याएं थी जो उन्होंने समाधान की। और ये जो चिप है आप किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड पे लगा दिया जाता है। मतलब इसने ऐसा किया कि जो कई सर्किट बोर्ड्स होने थे उनकी जगह पर अब एक चिप आ गया और कई सर्किट बोर्ड की जगह अब एक सर्किट बोर्ड में वो काम होने लग गया। यानी कि कंप्यूटर अब बहुत छोटे होने लगे, उनका साइज काफ़ी सुधर गया। इसके साथ शुरू होता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि 1964 से 1971 तक का माना जाता है। आगे ये हुआ कि 1970 में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आविष्कार हुआ, यानी कि यही जो इंटीग्रेशन अब तक हुआ था इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया, यानी कि इसको और ज़्यादा सूक्ष्म करके अब एक छोटे से सर्किट बोर्ड पर उतारा गया। 1968 में एक और घटना घटी। आपने देखा होगा, पहले हमने इन चार महान वैज्ञानिकों के बारे में बात की थी। इनमें से जो रॉबर्ट नॉइस थे वो एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, और उनके साथ दूसरे थे जॉर्डन मोर, वे भी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में ही काम करते थे, और तीसरे थे एंड्रयू ग्रोव, ये भी उसी कंपनी में काम करते। इन्होंने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके एक नई कंपनी, अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला लिया। दरअसल कुछ मतभेद थे इनके कंपनी के साथ, तो जॉर्डन मोर और रॉबर्ट नॉइस ने तय किया कि वो एक नई कंपनी बनाएंगे अपनी खुद की। बाद में एंड्रयू ग्रोव ने भी इनको ज्वाइन किया, और पहले इन्होंने कंपनी का नाम NM इलेक्ट्रॉनिक्स रखा था, बाद में इन्होंने इसको इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम रखा। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रथम कुछ अक्षरों को मिला करके इन्होंने नाम दिया कंपनी का इंटेल। जी हाँ, ये वही इंटेल कंपनी है जो आज दुनिया भर में कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए जानी जाती है। ज़्यादातर कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर आज भी इंटेल के ही बनते हैं। 1971 में दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बना, इंटेल 4004। ये जो माइक्रो प्रोसेसर था इसका डिज़ाइन फेडेरिको फाजिन ने किया था। इस माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर का एक नया युग शुरू हो गया, जिसे हम चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मानते हैं। ये 1971 से 1980 तक चला। इसके आने से कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए और अब मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का ज़माना आ गया। इंटीग्रेशन की दुनिया में एक और क्रांति हुई 1980 में। इसको और ज़्यादा आगे मिनिएचराइजेशन करके, यानी इसको और ज़्यादा सूक्ष्म किया गया, यानी कि अब चिप के अंदर कई सारे सर्किट्स समाने लगे, और ये था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का ज़माना। इसके आविष्कार से एक नए जनरेशन का शुरुआत हुआ, जिसको पांचवी पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है, जो 1980 से 2000 तक चला। वैसे आज भी जो चिप्स हैं वो VLSI पे ही चलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वैसे इसके साथ अभी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी आ चुका है, लेकिन उसका इस्तेमाल कम है, चलता यही ज़्यादा है। 2001 में दुनिया का पहला मल्टी कोर प्रोसेसर बना। इसे बनाया IBM कंपनी ने, जिसका नाम था Power 4। इसमें दो कोर थे, दो कोर का मतलब दो CPU। जी हाँ, दो यानी कि समझ लीजिए दो माइक्रो प्रोसेसर को एक चिप में ही मर्ज कर दिया गया। ये जो CPU था ये 64-bit का था, और इसके अंदर आप अंदाज़ा लगाइए 17 करोड़ ट्रांजिस्टर्स थे इसके सर्किट में। दरअसल ये आंखों से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सर्किट इतने ज़्यादा मिनिएचराइज्ड हो चुके हैं कि ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इसके साथ छठी पीढ़ी के कंप्यूटर का युग शुरू हो गया, यानी कि 2001 से अब तक का। अब मल्टी कोर प्रोसेसर का ज़माना आ चुका था। अब कंप्यूटर इतने छोटे हो गए थे कि जो कंप्यूटर सबसे पहले बड़े बड़े हॉल, बड़े कमरों में आते थे, वो अब आपके छोटे से हाथ में आने लगे। जी हाँ, आपका स्मार्टफोन जैसा भी छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे। लैपटॉप, आज के जो डेस्कटॉप हैं, वो सारे कंप्यूटर अब मल्टी कोर प्रोसेसर पे काम करते हैं। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया,
क्योंकि अब इतने उन्नत हो चुके थे माइक्रोप्रोसेसर कि ये अब वो काम कर रहे थे जिसे आप पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही था कि कंप्यूटर अब आपकी बात सुनकर ही समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। यानी कि जैसे कि आप रोबोट्स या ह्यूमनॉइड्स के बारे में देखते हैं, अभी जैसे एक रोबोट को नागरिकता तक मिली एक देश में, अपने न्यूज़ में सुना होगा। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ये 2001 से ही शुरू हो गया था। एक उदाहरण आपके पास आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में भी शामिल है, जैसे कि वॉइस कमांड। आप केवल बोलते हैं और कंप्यूटर उसको सुन के समझ जाता है, मान जाता है। अब वॉइस कमांड में कंप्यूटर काम करते हैं, आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, और इवन टाइपिंग भी आपको कीबोर्ड पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आप डिक्टेट करिए और वो टाइप भी कर देगा। ऐसे चीज़ अभी बहुत पहले से आ चुकी हैं, ये सब नॉर्मल है, आज कॉमन है। अब मल्टी कोर प्रोसेसर होता क्या है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर देखिए, एक पहला जो है CPU 1 या कोर 1, दूसरा कोर 2, इसी को कोर 1 कहते हैं, CPU को ही। तो कोर 1 कोर 2 दो कोर हैं इसमें। पहला वाला जो कोर है उसका अपना एक कैश मेमोरी है जिसे हम लेवल 1 कैश कहेंगे। वैसे इन दोनों के पास अपना अपना लेवल 1 कैश मेमोरी है। ये एक सिस्टम बस के जरिए आगे एक लेवल ऊपर अपना अगले कैश को ये मेमोरी ट्रांसफ़र करता है। अब सिस्टम बस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला बस नहीं है, केबल सिस्टम है जो कि अंदर का ही है। इस लेवल 2 कैश मेमोरी में दोनों की प्रोसेसिंग का जो मटेरियल है, मेमोरी है, वो इसके पास रहता है, वो आगे फिर वो मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है। इसी के साथ एक नई टेक्नोलॉजी भी आई जिसको हम कहते हैं SMT, यानी साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये CPU को एक वर्चुअल CPU में और भी विभाजित कर देती है। यानी कि जैसे आपके सामने दो कोर दिख रहे हैं, लेकिन SMT क्या करेगा, दो को भी 4 बना देगा। अब 4 लॉजिकल कोर बना देगा। अब एक्चुअल में वो 2 ही कोर हैं, लेकिन वो 4 बना करके 4 से काम लेगा। यानी अगर एक बड़ा सा काम कंप्यूटर के पास आ गया है तो वो उसे विभाजित करके चारों को बांट देगा और चारों मिल करके उसको काम को करेंगे, तो जल्दी भी हो जाएगा और बढ़िया से हो जाएगा। पहले क्या था, एक CPU यानी एक को ही करना होता था पूरा काम, अब चारों मिल के करेंगे। इसी के साथ ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, और अगले एपिसोड में हम और जानकारी लेके आएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स में आगे बहुत कुछ बाकी है। अगर आप इसमें इसको लगातार आप देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका कोर्स बहुत बढ़िया कंप्लीट होने वाला है। इसमें अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया है, नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। जो लोग नए हैं वो लोग पीछे के वीडियोस भी देख लें और इसको सब्सक्राइब कर लें, आगे बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने पूरे का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं। हाँ, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगले वीडियोज़ का। थैंक यू, धन्यवाद।